हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा पाठ की तरह ही पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो मोह माया से मुक्त होती है। दोस्तों, हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 15 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान पितृपक्ष होता है और लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। लेकिन इस साल 2023 में पितृपक्ष 15 दिन देरी से शुरू हो रहे हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 को शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, पितृपक्ष देरी से शुरू होने का कारण है अधिक मास। इस साल चूंकि अधिक मास लगा था, इस कारण से पितृपक्ष 15 दिन देरी से शुरू हो रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर की तरह हिंदी कैलेंडर में भी 3 साल में एक बार लीप ईयर आता है, जिसे कि अधिक मास या मल मास के नाम से जानते हैं। तो इसी कारण से पितृपक्ष इस बार देरी से शुरू हो रहा है। दोस्तों, पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। कहते हैं कि इस दौरान अगर विधि विधान से पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो हमें पितृ दोष लगता है, हमें कोई भी चीज़ फलीभूत नहीं होती है और हमारी सुख शांति खत्म हो जाती है। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ हमेशा खुशहाली और बरकत रहती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया जाता है। इसका विशेष महत्व हिंदू समाज में माना गया है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा तृप्त हो और वो धरती से मोह माया को त्याग करके संतुष्ट हो जाए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर गया जी में ही क्यों पिंडदान किया जाता है, क्या है इसकी वजह और गया जी में पिंडदान करने का क्या महत्व है, साथ ही इसकी पौराणिक कथा क्या है और श्राद्ध का क्या महत्व है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में लोग अपने घरों में पितरों का पिंडदान और तर्पण करते हैं, लेकिन मान्यता ये है कि अगर हम गया बिहार में जा करके पिंडदान करें तो इसका विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया में किए जाने वाले पिंडदान का खास महत्व है। कहते हैं कि भगवान राम और माता सीता ने गया में जाकर के पिता दशरथ का पिंडदान किया था। कहते थे कि इस पिंडदान के बाद राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए गया जी में पिंडदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्रीहरि गया जी में पितृ देवता के रूप में विराजमान है और इसीलिए इसे पितृ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अधिकतर लोग मानते हैं कि वो अपने पितरों का पिंडदान गया में जाकर के करें और इसी प्रकार से गया जी में पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, माना जाता है कि पहले गया जी में कई नामों की 360 वेदियाँ थी जहाँ पे पिंडदान होता था। हालांकि अब वहाँ पे केवल 48 बची हुई वेदियाँ हैं। इन्हीं वेदियों के जरिए लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। इस पिंडदान की प्रक्रिया के लिए हर साल लाखों लोग गया पहुँचते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जाता है उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि गया में श्राद्ध करने की पौराणिक कथा क्या है, क्या है पौराणिक मान्यता। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर के वंश में गयासुर नाम का दैवीय दानव था, जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके ऐसा आशीर्वाद मांगा था जिससे उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए, साथ ही लोग उसके दर्शन से पापों से मुक्ति पा ले। कहा जाता है कि इस वरदान के बाद से स्वर्ग लोक में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे नियम के विपरीत सब कुछ होने लगा। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग गयासुर से की। तब गयासुर ने अपना शरीर देवताओं के यज्ञ के लिए दान में दे दिया। जब गयासुर लेट गया तो उसका शरीर 5 कोस की जगह में फैल गया।
इसके बाद से ही इस जगह को गया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देवताओं ने गयासुर से आशीर्वाद मांगा कि जो भी शख्स गया में पहुंचकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेगा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। यज्ञ खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने उनकी पीठ पर बड़ा सा पत्थर रखकर खुद खड़े हो गए। इसके चलते लोग आज भी अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान के लिए गया पहुंचते हैं। अब आइए जानते हैं कि गया में श्राद्ध करने का क्या धार्मिक महत्व है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिहार के गया जिले को विष्णु के नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे मोक्ष की धरती के नाम से भी जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म के लिए गया पहुंचता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध करने से व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम गया जी में ही क्यों पिंडदान करते हैं, साथ ही गया जी में श्राद्ध करने का क्या महत्व है और इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।